नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कर्म में कुशलता की। हमारे देश में बहुत से ऐसे युवा हैं, बहुत से ऐसे व्यापारी हैं, बहुत से ऐसे उद्योगपति हैं, छोटे छोटे उद्योगपति हैं, उनके एक ही चिंता रहती है, एक ही टेंशन रहती है कि हम अपने काम में कुशलता कैसे लाएं, यानी कि हम जो भी कार्य करें वो मेरा कार्य अच्छा हो और वो मेरा कार्य प्रभावशाली हो। और इस में हम काम में कुशलता कैसे लाएं, इसके लिए हम बहुत से प्रयत्न करते हैं, बहुत सोचते हैं, रात दिन सोचते रहते हैं, रात दिन प्लानिंग योजनाएं बनाते रहते हैं, प्लान करते रहते हैं, और नतीजा ये होता है कि कुछ प्लान तो, कुछ योजनाएं तो मेरी सक्सेस हो जाती हैं, उनमें हम सफल हो जाते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे योजनाएं होती हैं जिनमें हम असफल हो जाते हैं। और जब हम असफल हो जाते हैं तो और भी हम दबाव में और तनाव में आ जाते हैं। कर्म में कुशलता लाने के लिए भगवान कृष्ण ने कहा था अपनी गीता के उपदेश में कि योगस्था कुल कर्माणि, यानी कि योगस्था यानी योग में स्थित होकर उसके बाद इंसान को, मानव को कार्य करना चाहिए। तो योगस्था, योगस्था का मतलब होता है, योग का मतलब होता है जोड़ना, जोड़, जिसको हम कहते हैं योग फल, तो उसको कहते हैं जोड़। जोड़ना है तो हमें किससे जोड़ना है? तो भगवान कृष्ण ने कहा कि हमें पूरे प्रकृति का मालिक हूँ तो हमको जोड़ना किससे है? तो भगवान कृष्ण जी का ये तात्पर्य है कहने का कि आप प्रकृति से जुड़िए। हम जब प्रकृति से जुड़ेंगे, क्योंकि प्रकृति के जो भी कार्य हो रहे हैं वो कुशलता से हो रहे हैं, उनमें कोई भी संघर्ष नहीं है, और हम अगर प्रकृति से जुड़कर कार्य करेंगे तो उसमें कुशलता आएगी और हम उस कार्य में सफल होंगे। इसीलिए हमें अपने देश को और अपने आप को, अपने समाज को, अपने रिश्तेदारों को अगर अपने जीवन में आगे बढ़ाना है और हमें अपने देश का विकास करना है तो हमें कर्म में कुशलता लानी पड़ेगी। और कर्म में कुशलता तभी आ सकती है जब हम प्रकृति के साथ में जुड़कर कार्य करेंगे। और हम जब अकेले कार्य करना जब हम शुरू कर देते हैं तो मेरा जीवन संघर्षमय बन जाता है, और ये मेरा जीवन संघर्षमय ना बने, हमारे जीवन में संघर्ष ना हो, हमारे जीवन में दुख ना हो, इसके लिए हमें प्रकृति से जुड़ना पड़ेगा। और प्रकृति से जुड़ने के लिए हमारा बहुत बार कई वीडियो में हम बता चुके हैं कि कैसे जुड़ा जाएगा। इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मेरे अन्य वीडियो और देखिए, जो वीडियो हैं भावातीत ध्यान का महत्व, उसमें सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी कि हमको प्रकृति के साथ में जुड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, लाइक इस वीडियो को करना और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना। नमस्कार।